गाजियाबाद के मोदीनगर के आस मोहम्मद नामक एक बुजुर्ग ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। बता दें कि रिक्शा चालक बुजुर्ग सामान लेकर किदवई नगर आ रहा था, तब बुजुर्ग यहाँ तिबड़ा बम्बे के पास पहुँचा तो वहाँ एक थैला पड़ा मिला। बुजुर्ग ने जब थैला उठाकर देखा तो वह नोटों से भरा हुआ था। नोटों से भरा बैग देखकर बुजुर्ग घबरा गया और उसने तत्काल इस बात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने जब नोटों से भरे थैले में रखे नोटों की गिनती की तो उसमें लगभग 25 लाख रुपये निकले। ईमानदारी की मिसाल पेश करने के लिए डीसीपी ग्रामीण रवि कुमार ने बुजुर्ग को सम्मानित किया। बम्बे मिला जी, उसमें क्या था बैग में? उसमें नोट थे जी। आप क्या कार्य करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ जी। लगभग बैग में कितने नोट मिले? अंदाजा नहीं जी, कितने नोट होंगे, मैंने थाने में जमा करा दिए जी। वो गिनती होकर आया, अभी मुझे मालूम है कितने के नोट होंगे। लगभग अंदाजा हो गया करीबन, पर अंदाजा मुझे पता नहीं, मैट वो बोरा भरा हुआ, मैंने खोल कर नहीं देखा उसमें। थाना मोदीनगर क्षेत्र से आज सुबह सूचना प्राप्त हुई, जिसमें आज नामक एक व्यक्ति हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा ग्रुप समय की तरह कार्य करते हुए उनको रास्ते में एक जगह पैसे का बैग मिला, लगभग 25 लाख के आसपास कैश था। उसको उन्होंने अपने अच्छे नागरिक होने का प्रमाण देते हुए और काफ़ी अच्छा उन्होंने कार्य किया है। ईमानदारी के लोग सारा पैसा लाकर थाने पर लावारिस रूप में उनको पैसा मिला था, उसको जमा कराया है।